पीरियड्स के समय, मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कि बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि आपके अंदर सिस्ट हो गया है, आपके अंदर खून का सिस्ट हो गया है, या फिर डॉक्टर ने बोला है कि आपको इनफर्टिलिटी हो गई है, मतलब कि अब आप बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती। तो इन सब दिक्कतों का कारण क्या है, उस कारण के बारे में, उसके इलाज के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो बात किसके बारे में करने वाले, एक बीमारी के बारे में, एक मेडिकल कंडीशन के बारे में जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। तो ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसका क्या मतलब है और इतनी सारी ये दिक्कतें दे रही है, तो ये सबका चक्कर क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो एंडोमेट्रियोसिस से पहले हम जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियम क्या होती है, जो कि इसी वर्ड से आई है, ठीक है। तो जो महिला होती है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस मतलब कि गर्भाशय और ओवरीज मतलब कि अंडाशय। जो ओवरीज होती है वो ऐसे जुड़ी होती है, फिर फलोपियन ट्यूब, फिर उसके बाद यूट्रस, ठीक है। तो जो यूट्रस होता है ना उसकी कुछ लाइनिंग्स होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ लेयर्स होती हैं। जो यूट्रस है उसकी सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो होती है एंडोमेट्रियम, और जो ये एंडोमेट्रियम है वो एक ऐसी लेयर है जो क्या है कि हर महीने खुद को तैयार करती है। वो बनती ही इसलिए है ताकि प्रेगनेंसी हो तो वो बच्चे की मदद कर सके, किस चीज़ में, न्यूट्रिशन देने में, स्टार्टिंग के टाइम पर जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बनती। तो वो जो लेयर है, वो जो लाइनिंग है, वो हर महीने बनती है इसलिए कि प्रेगनेंसी हो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो क्या करती है कि डेड हो जाती है, मर जाती है, और फिर वो शेड ऑफ हो जाती है, जिस शेड ऑफ होने को हम बोलते हैं कि पीरियड्स हो गए। तो पीरियड्स के अंदर क्या निकलता है, वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, म्यूकस और ब्लड के साथ, ठीक है। तो ये सब कुछ निकलता है पीरियड्स के टाइम पे। तो ये एंडोमेट्रियम की बात ही, और ये कहाँ होती है, सिर्फ यूट्रस में होती है और अंदर की तरफ होती है। तो इसका काम क्या है वो आप समझ गए। और ये निकलती कैसे, ऐसे स्क्वीज हो के, मतलब जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसको ऐसे स्क्वीज करेगी, ऐसे ऐसे करके, मतलब आप ये सोचो कि यहाँ पर एक कुछ लाइन है, तो वो ऐसे तो नहीं निकल सकती ना कि वो डायरेक्ट ऐसे पिघल जाए, ऐसा तो कुछ ही नहीं है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, किच पिच करती है, तो फिर वो जा करके निकल जाती है। तो जो ये एंडोमेट्रियम है नॉर्मली वो कहाँ होनी चाहिए, सिर्फ यूट्रस में, सिर्फ गर्भाशय में होनी चाहिए। लेकिन जिनको बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस की, उनके क्या होता है, जो ओवरी है मतलब कि जो अंडाशय है, जो फलोपियन ट्यूब है, उसके सरफेस पे मतलब बाहर की तरफ, और मतलब कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो अंदर अंदर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाहर की तरफ एंडोमेट्रियम बन गई है, ओवरीज में, फलोपियन ट्यूब में क्या है, और यूट्रस जो है उसके अंदर होनी चाहिए लेकिन उसके बाहर की तरफ होगी, जिसकी ओपनिंग कुछ नहीं है। अभी जो पीरियड ब्लड है या फिर इन सब की जो एंडोमेट्रियम है, जो गर्भाशय में नॉर्मली होती है, उसकी ओपनिंग क्या है, योनि है, वहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन उसमें जो बाहर होगी उसकी कोई ओपनिंग नहीं है, तो वो क्या होगी, वो बन गई है, वो काम अपना वही करेगी महीने वाला, कैसे कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी। अब शेड ऑफ तो वो हो जाएगी, दोबारा बनेगी, शेड ऑफ होगी, दोबारा बनेगी, लेकिन वो शेड ऑफ होकर निकलेगी कहाँ, क्योंकि निकलने का तो उसके पास रूट ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। तो वो क्या करती है, वहां पर खून जो है जमा हो जाता है, वो लाइनिंग, वो डेड लाइनिंग, वो म्यूकस, वो सब कुछ जमा हो जाता है वहां पर, और वो क्या बना देती है, सिस्ट बना देती है, जो खून के होते हैं जनरली तो, लेकिन फिर वो जमे रहते तो वो क्या हो जाते हैं, ब्राउनिश कलर में हो जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, चॉकलेट सिस्ट बोला जाता है, जो कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो जाते हैं। ओके, तो ये दिक्कत है। अभी कुछ खून या फिर कुछ भी सिस्ट जमा हो गया है तो वो क्या करेगा, जो रस्ते हैं उनको ब्लॉक करना, उनको बंद करना शुरू कर देगा। तो जब ये फलोपियन ट्यूब मतलब कि जो ट्यूब्स होती हैं ओवरी के बाद, उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है, बंद कर देता है, या ब्लॉक कर देता है कम्प्लीटली, तो इनफर्टिलिटी की मतलब कि बच्चा पैदा नहीं होता, जिसके अंदर नहीं कर सकते, वो दिक्कतें शुरू हो जाती है। क्योंकि जो अंडा है वो पहुँचेगा ही कैसे वहाँ तक, मतलब वो रास्ता ही फलोपियन ट्यूब का, और फलोपियन ट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पर अंडा और जो शुक्राणु है वो मिलते हैं, तो वहीं पर ब्लॉकेज हो गई तो सब सिस्टम खराब हो गया, इसीलिए इनफर्टिलिटी वगैरह की दिक्कत आती है, और कुछ इकट्ठा हो जा रहा है तो उसकी वजह से कंटिन्यूस पेट दर्द। अभी जब मैंने इतनी सारी बातें कर ली तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सिम्टम्स हैं इसके।
और वो ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका डायग्नोस बहुत लेट होता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो ये मतलब चेक ही नहीं करवाती, सोचती कि नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके बाद सिर्फ पीरियड्स के नहीं, पीरियड्स के अलावा भी जो दिन होते हैं उनमें भी पेट में दर्द होना, लोअर जो एब्डोमेन है उसके अंदर दर्द होना, उसके बाद क्या है कि जो पीरियड्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, और जब पीरियड्स में ब्लीडिंग हो तो बहुत ज़्यादा पेन होना, पीरियड्स के टाइम पे पोटी करने में भी, बाउल के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दर्द का महसूस होना। तो ये सब चीज़ें अगर आपको लग रही हैं कि आपके साथ हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी से ज़रूर भागना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि 180 मिलियन जो महिलाएं हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, और 10 में से एक महिला को ये दिक्कत पाई जाती है। तो इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा छोटा सा भी हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास भागना है। वो करेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए लैप्रोस्कोपी या फिर अल्ट्रासाउंड मेथड है जिससे वो चेक करेंगे और पता लगा लेंगे कि अगर आपको ये दिक्कत है तो। और ट्रीटमेंट की बात करें तो मतलब ऐसा कोई ऐसा क्योर नहीं आया कि ये दवाई लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अभी करते क्या है उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो जो एंडोमेट्रियम में वो जो लाइनिंग है उसके बनने को रोकते हैं, उसको कम करते हैं, तो उसके लिए दवाई दी जाती है, दर्द के लिए दवाई दी जाती है, पेन किलर दी जाएंगी, कुछ हॉर्मोन से रिलेटेड दवाइयाँ दी जाएंगी, हॉर्मोनल पिल्स वगैरह, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो ये सब कुछ होती हैं, तो ये मदद करती हैं उस लाइनिंग के बनने में। वो बनेगी नहीं तो शेड नहीं होगी तो दर्द नहीं करेगी, जमेगी नहीं, है ना। तो अभी तो ट्रीटमेंट इस चीज़ से रिलेटेड चल रहा है, या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर जहाँ पर भी एक्स्ट्रा सर्फेस इसके अंदर वो बन गई है जहाँ पर भी, तो वो उसको वहाँ से रिमूव कर दी जाती है। तो ये कुछ बातें थी। अगर आप इनफर्टिलिटी के टॉपिक के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, वो दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इनफर्टिलिटी लिख करके भेज देना, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो रहा जिसका बहुत लंबे समय से वो दिक्कत है, तो वो मुझे लिख कर भेज देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर अगली वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ।